नमस्कार, 10 का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत, और आज बात करेंगे 10 का दंगल में, क्योंकि अयोध्या में एक संत ने समाधि का ऐलान कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया और अब इसको लेकर के पूरा का पूरा विवाद शुरू हो गया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है, और अयोध्या में सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है। अयोध्या में लगातार सियासी धर्मयुद्ध इस बात को लेकर है कि आखिर एक संत ने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की। वोट युद्ध से पहले यूपी में धर्म युद्ध छिड़ गया है, और खासकर अयोध्या में छिड़ गया युद्ध। हिंदू राष्ट्र का रण या सियासी एजेंडा, बात आज 10 का दंगल में इसी पर। महंत का हाट बना सियासी तनाव, हिंदू हिंदुस्तान और फिर साथ ही सियासी घमासान, ये वो तमाम चीजें जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, 2022 में वोट युद्ध, उससे पहले धर्म युद्ध। सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में यूपी चुनाव से पहले कैसे धर्म युद्ध शुरू हो गया है। वोट युद्ध से पहले यूपी में धर्म युद्ध, महंत का हट बना सियासी तनाव, मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, हिंदू राष्ट्र का रण या सियासी एजेंडा, हिंदू हिंदुस्तान के नाम सियासी घमासान, क्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और सरयू नदी में जल समाधि की धमकी महज सियासी स्टंट था? क्या यूपी चुनाव को देखते हुए महंत परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चुनावी स्टंटबाजी की है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो परमहंस दे पाए और ना ही उनके समर्थक। पूरा देश पूरे दिन टकटकी लगाए देखता रहा कि आखिर परमहंस हिंदू और हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या जल समाधि ले लेंगे। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ना तो मानी गई और ना ही महंत परमहंस ने सरयू नदी में जल समाधि दी। 24 घंटे तक चला महंत परमहंस का हठ योग कुछ ही घंटे बाद सियासी नौटंकी में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग महंत परमहंस की नीयत और उनके सियासी एजेंडे पर हथौड़ा चलाने लगे। अरे कहाँ ये पॉलिटिकल स्टंट आप कर रहे हैं, महंतों के ऊपर ही शोभा नहीं देता कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, अपना मार्केटिंग स्टंट आप जो है बना करके बैठे हुए हैं। महंत परमहंस को लग रहा था कि मान मनोवल के लिए लखनऊ और दिल्ली से सरकारें दौड़ी चली आएंगी, उनकी बिना सिर पैर की मांग पर विचार करने का आश्वासन देकर चली जाएंगी। लेकिन चौतरफा दबाव देखकर परमहंस ने भी जल समाधि का आइडिया त्याग दिया और एक नए आइडिया के साथ सामने आए। बोले, जल समाधि नहीं लूंगा। परमहंस आचार्य ने अयोध्या के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी के हाथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो 7 नवंबर 2023 से दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन शुरू करेंगे। 7 नवंबर 2023 को अगर तब तक नहीं हुआ तो रामलीला मैदान में करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में सभी हिंदू भाई बहन, सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर के वहां फिर मेरा आमरण अनशन होगा। महंत का हिंदू राष्ट्र और जल समाधि वाला ड्रामा एक तरह से सियासी निकला। मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने भी महंत से दो टूक कहा कि आप में और ओवैसी में कोई फर्क नहीं, दोनों देश को बांटने पर तुले हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जिस तरह से परमहंस ने अपनी छवि का इस्तेमाल किया, वो कहीं न कहीं यूपी चुनाव की सियासत से जुड़ा नजर आ रहा है। भले ही परमहंस ने अपने हाई वोल्टेज ड्रामे से खुद की खिल्ली उड़वाई हो, लेकिन महंत का हिंदू राष्ट्र स्टंट यूपी में चुनावी स्टंट बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीनी। तो आखिर कैसे एक संत के मांग करने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी युद्ध से पहले धर्म युद्ध शुरू हो गया है, और इसी को समझने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, अयोध्या का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी पूजा और अनुराग जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि आखिर कैसे सियासी युद्ध से पहले धर्म युद्ध शुरू हो गया है अयोध्या में। पूजा, अनुराग, ओवर टू यू।
बिल्कुल, अगर धर्मयुग के युद्ध की बात की जाए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। देखिए उत्तर प्रदेश के जब चुनाव की बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से बांछे खेल जाती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि वो किसी भी तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ कर ले। राजनीतिक पार्टियों ने शुरू की ब्राह्मण वोट बैंक से, लेकर चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दलों ने यहां से शुरुआत की। लेकिन अब राजनीति में एक ऐसा मोड़ भी आ चुका है पूजा, जब हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है, और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो धीरे धीरे सरपट अपनी गति की ओर बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल अनुराग, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश तो हम शुरुआत से देख रहे हैं, लेकिन अब धर्म के आधार पर किस तरह से राम की इस नगरी अयोध्या में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। और इस वक्त तो अयोध्या की हम बात करें, क्योंकि यहां हम इस वक्त सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं, और यहां अयोध्या किस तरह से मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है इस पूरे यूपी की राजनीति का, इस पूरे यूपी विधानसभा चुनाव का, ये आज हम आपको बताएंगे। तो धर्म को लेकर किस तरह से राजनीति जोरों पर है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है, कहां तक जाएगी, क्या यही है सियासी एजेंडा, आज आपको हम यही बताएंगे। बिल्कुल, सरयू के उस पावन घाट पर हम मौजूद हैं जिसका धर्म के तौर पर भी जिक्र होता है, तो राजनीति के तौर पर भी। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दें अमित, और फिर उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। देखिए सरयू का ये पावन घाट, डिबेट की शुरुआत दान बहादुर जी आप ही से करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं दान बहादुर जी। सर सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर है कि जाति की राजनीति फिर धर्म की राजनीति धीरे धीरे अब इंक्लूड होती जा रही है, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? आप तो समाजवादी हैं, आप कैसे देख रहे हैं पूरी राजनीति? समाजवादी पार्टी सभी जातियों सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। इन्होंने 5-4.5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए धर्म की आड़ जाति की आड़ ये सब लेंगे। ये लोग मंत्रियों का परिचय संसद में कराते हैं जात के नाम से। हमारे यहाँ सर्व जातीय लोग हैं, और अब की जनता ने मन बना लिया है कि इनके झूठे वादों से उब गई है, अब सरकार में आने वाले नहीं है। लेकिन अगर विकास का ही नारा देना था, विकास पर ही चुनाव लड़ना था, तो आप लोगों ने पहले चुनाव लड़ा, जनता को शायद आपका विकास पसंद नहीं आया इसलिए बीजेपी पर गई। नहीं, जनता को इसलिए विकास हमारा पसंद नहीं आया क्योंकि ये प्रचारकों की पार्टी है, ये प्रचार करने में माहिर है। इन्होंने इतना झूठ बोला, इनका संकल्प पत्र पढ़ लीजिए, एक भी लागू नहीं हुआ है। अब जनता समझ गई है कि असली विकास वाला कौन था, ये तो झूठे वादों पर आए थे। अपने संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की हाल जान रहे हैं। इन्होंने कहा था कि लैपटॉप इंटर पास को और हाई स्कूल पास को 2GB डाटा और टैबलेट फ्री देंगे, एक भी बच्चे को नहीं मिला। हमारी सरकार ने कन्या विद्याधन साइकिल के बावजूद भी दान बहादुर जी, सच्चाई ये है कि जनता ने आप लोगों को नकारा है पूजा।